हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं MI के क्वालकॉम क्विक चार्ज 3 की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। दोस्तों, ये मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा है 500 रुपये का। दोस्तों, ये मैंने अपने रेडमी नोट 7 और रेडमी नोट 7 प्रो को चार्ज करने के लिए ख़रीदा है, क्योंकि दोनों ही फ़ोन क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करते हैं, पर हमें MI ने अभी तक क्विक चार्ज 4 को लॉन्च नहीं किया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बॉक्स पे क्या लिखा हुआ है। इंडियन स्टैंडर्ड चार्जर है ये दोस्तों, 9 वोल्ट और 2 एम्पियर का। दोस्तों, इसका आउटपुट है हमारा 5 वोल्ट 3 एम्पियर और 9 वोल्ट 2 एम्पियर, 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर। दोस्तों, खाली चार्जर ही मिलता है हमें, इसके साथ केबल नहीं मिलती है। चलिए मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। दोस्तों, बॉक्स में केवल चार्जर निकलता है। ये इसका USB पोर्ट है दोस्तों। यहाँ भी लिखा हुआ है एडाप्टर के ऊपर, इसका आउटपुट और इनपुट लिखा हुआ है, साथ ही मेड इन चाइना लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, जो मेरे फ़ोन के साथ टाइप सी केबल आई है, मैं उसको लगाता हूँ इसमें और अपने फ़ोन को चार्ज करके दिखाता हूँ। जैसा कि देख सकते हो आप दोस्तों, क्विक चार्ज का हमारा जो है वो निशान आ चुका है। ये क्विक चार्ज का निशान होता है। साथ ही मैं होम स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ, यहाँ भी लिखा आता है कि फास्ट चार्जिंग, ये लिखा हुआ है चार्जिंग फास्ट। दोस्तों, जो नॉर्मल चार्जर होगा हमारा, उसमें ये जो आपका निशान है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं इसको आपको ख़रीदने के लिए लिंक दे दूंगा नीचे। साथ ही दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपका कोई सवाल हो, आपको कुछ पूछना हो, तो वो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको आपके कमेंट का आंसर दे दूंगा। साथ ही दोस्तों, मैं इसको फुल चार्ज करूँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि कितना घंटा लगा मेरे फ़ोन को चार्ज करने में। साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो